राधिका राज और आप देख रहे हैं केसरिया न्यूज। स्वच्छता अभियान को लेकर बोकारो के सिटी पार्क में सीआरपीएफ बटालियन व नगर निगम के द्वारा स्वच्छता अभियान में उपस्थित मुख्य अतिथि इंडियन वॉलीबॉल खिलाड़ी जयदीप सरकार व नगर निगम आयुक्त अनंत कुमार के द्वारा आज से शुरुआत की गई है। यह अभियान 2 अक्टूबर तक चलाया जाना है। बता दें कि सीआरपीएफ 26 बटालियन के कमांडेंट राजीव रंजन ने कहा कि स्वच्छ भारत को लेकर यह अभियान आज से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिससे सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक होना चाहिए और स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेना चाहिए। वहीं मुख्य अतिथियों ने भी कहा कि हम स्वच्छ भारत का संकल्प लेते हैं, आज से ये अभियान चलाने का संकल्प लेते हैं कि हम स्वच्छ भारत बनाएंगे और बोकारो के सभी चौक चौराहे, सदर अस्पताल, सभी जगह को सीआरपीएफ 26 बटालियन व नगर निगम के द्वारा सफाई अभियान चलाया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कह रहे सीआरपीएफ 26 बटालियन राजीव रंजन। आज से स्वच्छता पखवाड़ा का शुरुआत हो रहा है। आज हम लोग ने जो यहाँ की सबसे बेहतरीन जगह है बोकारो स्टील सिटी की, जहाँ पे लोग रोज घूमने आते हैं, स्वास्थ्य का लाभ लेते हुए अपना यहाँ व्यायाम करते हैं और आचरण करते हैं, इसी से हमने अपने अभियान की शुरुआत की है यहाँ साफ सफाई करके। आज इस अवसर पर हमारे पास एशियन वॉलीबॉल कोच जयदीप सरकार जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके मार्गदर्शन और उनके मनोबल के सराहने से हम लोग ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और निरंतर ये कार्य आगे 2 अक्टूबर और उसके उपरांत आगे ये कार्य चलता रहेगा। धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए केसरिया न्यूज़।